subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. रिया चक्रवर्ती ने अभी तक बहुत इंटरव्यू दिए हैं जिसका कोई फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि फिर भी वो जेल के अंदर बंद है और उनकी सजा बढ़ चुकी है। 3 अक्टूबर तक जेल के अंदर रिया चक्रवर्ती रहेंगी, जहां सोर्सेस के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट रिया चक्रवर्ती की बातें सुन नहीं रही है, जहाँ रिया चक्रवर्ती का कोई भी पक्ष नहीं रखा जा रहा है उनकी वकील की ओर से। हालांकि वकील ने बहुत सी बातें कही है और उन्होंने कहा है कि हम रिया चक्रवर्ती को जेल से बाहर निकलवाएंगे, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। पर अब रिया चक्रवर्ती के पापों को घड़ा धीरे धीरे फूट रहा है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती को लेकर सुशांत सिंह के परिवार वालों ने बहुत कुछ कहा। जी हाँ, आप सभी को याद होगा कि जब सुशांत सिंह की डेथ हुई थी तब उनकी छोटी बहन ने इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने मुंबई शहर का जिक्र किया था, तो ये भी जिक्र किया था कि रिया चक्रवर्ती कैसी लड़की है, किस तरह सुशांत सिंह को फंसाया था। दरअसल सुशांत सिंह और रिया चक्रवर्ती एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते थे। दोनों की मुलाकात पार्टी और अवार्ड शो में ही हुआ करती थी, जहाँ रिया चक्रवर्ती ने खुद पहले कदम बढ़ाया था और सुशांत सिंह को कॉल या मैसेज किया था। खबरों के मुताबिक तो ये भी बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह को पटाने के लिए बहुत से हथकंडों का इस्तेमाल कर रही थी, क्योंकि रिया चक्रवर्ती को पहली ही मुलाकात में सुशांत सिंह से प्यार हो गया था। पर सुशांत सिंह से रिया चक्रवर्ती को प्यार हुआ था कि नहीं, इसकी तो कोई पुष्टि अभी तक नहीं की गई है, क्योंकि सभी ये बोल रहे हैं कि रिया ने सुशांत सिंह का इस्तेमाल किया है और उनके क्रेडिट कार्ड का। कल आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय है कमेंट के द्वारा हमें बताइए और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज न्यूज रूम की रिपोर्ट। सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ योर वर्ल्ड।